गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आज जो अपन बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स और फास्फोरस के बारे में बात करेंगे, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप घर पे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, और इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज ऑक्सी एसिड्स और फास्फोरस के बारे में बात करेंगे। चले देखते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ऑक्सी एसिड्स के बारे में बताया और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात की, आज फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स पे बात करेंगे। चलो देखें, तो ये कुछ मैंने ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं फास्फोरस के, इनके नेम देखें, इसको बोलते हैं, देखो इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है प्लस थ्री प्लस एक्स, फास्फोरस की निकालनी है माइनस फोर, और पूरे पे चार्ज कितना जीरो, तो यहां से x इज इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा प्लस वन। क्या सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? बिल्कुल, सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर सल्फर अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इस सल्फर का सॉरी फास्फोरस अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इस कंडीशन में इसका जो नेम बोलेंगे वो बताओ क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में इसमें हाइपो भी आना चाहिए और एस भी आना चाहिए, तो बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको बोलेंगे। और इसके स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, देखो ये बी और यहां पर एक ऑक्सीजन लगा दो, यहां पे OH, यहां पे H और यहां पे H, बताओ इसमें OH ग्रुप कितना है, वन OH ग्रुप, एक इसमें OH ग्रुप है, अगर एक इसमें OH ग्रुप है तो ये कैसा होगा, मोनो मोनो बेसिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। मोनो बेसिक एसिड का मतलब मोनो और क्या बोलेंगे, बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड उसको बोलेंगे जिसमें OH ग्रुप एक होता है, ठीक है, ये एसिड है, अच्छा तो ये एसिड है तो इसमें OH ग्रुप वन है तो इसलिए ये एक H प्लस यहां से लूज कर सकता है, देखो ये वाला H यहां से निकल सकता है, ये नहीं आप ये वाला भी निकाल दो, ये वाला ये नहीं निकलेंगे, सिर्फ ये वाला जो एच है ये बाहर निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, एच यहां से रिमूव हो जाएगा, तो एक एच प्लस ये निकाल रहा है तो इसकी बेसिसिटी वन बोली जाएगी और इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। चले अब आगे देखें इसकी बात करें, इसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लस थ्री प्लस एक्स और माइनस में सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो प्लस थ्री हाइड्रोजन इसकी निकालनी है एक्स, ऑक्सीजन की माइनस टू होती है, माइनस टू इंटू थ्री करेंगे माइनस सिक्स आ जाएगा, पूरे पे चार्ज जीरो, एक्स इज इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे प्लस थ्री, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहां पर जो ये फास्फोरस है ये फास्फोरस अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है क्या? नहीं, ये जो बोलेंगे अपनी अब लो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ क्या लगेगा, अस एसिड लगेगा, हाइपो नहीं लगेगा, तो इसको बोलेंगे फास्फोरस एसिड, ये बोलेंगे फास्फोरस एसिड इसका नेम होगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो मैं, तो इसके स्ट्रक्चर देखो, इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक पी ले लो, यहां पर ये ओ ले लो, यहां पे ओएच लो, यहां पे ओएच लो और एक एच ले लो, ठीक है, ये ले लेंगे, बताओ यहां पे ये वाला बॉन्ड आयोनाइज हो सकता है, ये वाला बॉन्ड आयोनाइज हो सकता है, तो कितना एच प्लस लूज करेगा, ये दो, तो इसमें टू OH ग्रुप है, दो इसमें OH ग्रुप है और दो इसमें OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे डाई और बेसिक और एसिड बोलेंगे इसको, भाई इसकी बेसिसिटी दो बोली जाएगी, दो H प्लस अगर ये लूज करेगा तो, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज। अब आ जाओ इस पे, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी निकालोगे तो प्लस थ्री प्लस एक्स और ये माइनस में एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस फाइव, बताओ फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपको प्लस फाइव देखने को मिल सकती है, तो ये हाईएस्ट पे है, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, यहां पर ई एसिड लगा देंगे तो इसका नेम हो जाएगा फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड इसका नेम होगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, देखो यहां पर पी ले लो, यहां पर ओ ले लो, इधर ओ एच लगा दो,
इधर OH लगा दो, इधर OH लगा दो, बताओ कितने H प्लस निकल सकते हैं इसमें से। इसमें OH ग्रुप कितने हैं, तीन, एक दो और ये तीन, कितने H प्लस निकलेंगे, तीन, तो तीन H प्लस निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। ये अपन इसको बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड का मतलब है कि तीन H प्लस ये लूज कर सकता है। अब बात करते हैं इसको, इसकी बात करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्लस फोर प्लस में टू एक्स इज इक्वल्स फोर माइनस में टेन इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस थ्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ये आया। अब यहां से इसका नेम क्या पड़ेगा, इसका नेम क्या बोलेंगे, एच फोर पी टू ओ फाइव का जो नेम बोलेंगे वो बोलेंगे पायरो और फॉस्फोरस और एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड इसको बोलेंगे। तो ये कैसे बना होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये ऐसे बना होगा, देखो ये फॉस्फोरस एसिड उठाओ यहां से, ये फॉस्फोरस एसिड, और ये फॉस्फोरस एसिड जब आप उठाओगे यहां से, तो देखो यहां से अगर मैं उठाऊंगा तो आप बोलोगे कि कितने फॉस्फोरस एसिड उठाए, दो, दो फॉस्फोरस एसिड ले लो H3PO3, ठीक है, और ये भी H3PO3, ये फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें से H2 क्या कर दो, निकाल दो, और H2 निकालने पर H4P2 और क्या बचेगा O5। तो अब बताओ मैंने आपको बताया रूल्स बताए थे, तो रूल्स याद करो कि अगर दो सेम एसिड में से आप क्या करोगे H2O बाहर निकालोगे तो ये जो बनता है इसका नेम क्या होगा, इसके बेसिस पे नेम रखेंगे, इसका नेम है बताओ क्या, फॉस्फोरस एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड, ये अपन बोलेंगे इसको पायरो लग जाता नेम क्या है, इसलिए इसका नाम पड़ा पायरो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, देखो पायरो फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर, तो यहां पर देखो यहां पर लगाए दो पी लगा लेते, तो दो पी, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, और यहां पे एक OH, ठीक है, इधर H, यहां पर क्या लगा देते हैं एक H और यहां पर OH, अच्छा एक OH और लगा देते, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो इसमें OH कितने हैं, एक दो तीन, तो थ्री OH ग्रुप है, तीन OH ग्रुप है, तो क्या होगा ये ट्राई बेसिक और एसिड बोलेंगे इसको, ट्राई बेसिक एसिड इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या H4P2O5 के बारे में बात हो गई। इसमें एक PP बॉन्ड है, PP बॉन्ड है इसमें, वो कितना है इसमें वन PP बॉन्ड है। अब बात करते हैं इसके बारे में H4P2O6 को क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो यहां से आप करो इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलेंगे, एक मिनट यहां से आप करो, यहां से इसको बोलेंगे, देखो यहां पर आप लोगे एस थ्री और यहां से लो आप क्या लोगे पी ओ थ्री पी ओ फोर लो एस थ्री पी ओ फोर लो और एस थ्री पी ओ फोर कितना लेंगे ये ले लेंगे यहां पर कितने यहां पर दो एस थ्री पी ओ फोर ले लो तो दो एस थ्री पी ओ फोर लेंगे तो फिर इसका नेम देखो क्या पड़ेगा इसका नेम जो पड़ेगा यहां से आप करोगे चार एस टू निकाल दो यहां से एस टू निकालेंगे तो एच फोर पी टू और क्या बनेगा ओ सिक्स एच फोर पी टू ओ सिक्स बनेगा तो ये बन रहा है और ये जो एसिड है इसका नेम क्या है एच फोर ये किससे बन रहा है एस थ्री पी ओ थ्री इसका नेम है फॉस्फोरिक एसिड तो इसी से इसका नेम पड़ जाएगा क्या यहां पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल दो प्लस फोर और प्लस टू एक्स और माइनस में कितना ट्वेल्व इज इक्वल्स टू जीरो तो ये माइनस एट हो जाएगा और माइनस एट ये होगा और यहां से टू एक्स लिखेंगे ठीक है प्लस टू एक्स तो यहां से एक्स इज इक्वल्स टू कितना जाएगा प्लस फोर अच्छा अब प्लस फोर आ गया तो अब इसका नेम जो पड़ जाएगा वो पड़ेगा देखो पायरो और क्या बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड पायरो फॉस्फोर रिक एसिड इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलेंगे तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा अच्छा और H4P2O7 की बात करें आप तो ये तो आपका ये बना है एक मिनट यहां पर गड़बड़ हो रही है अगर यहां से H2O निकालोगे तो आप ये बोलोगे देखो एक मिनट ये आएगा तो ये आएगा यहां से H2O निकालो आप दो हाइड्रोजन इसमें से और एक ऑक्सीजन इसमें से तो ये सेवन बचेगा तो सॉरी इसका नेम होगा ये जो नेम बोलेंगे अपन इसकी प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है लेकिन
पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोला जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलेंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको फिर अपन बोलेंगे हाइपो, इसको क्या बोला जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड ये इसको बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इसको नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें H4P2O6 की, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, फिर H4P2O7 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो देखेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस टाइप की होगी, H4P2O6 की, तो इसमें ये करेंगे, यहां पर पी ले लेंगे, एक पी लेंगे, इधर OH लगा दूंगा, इधर भी OH लगाऊंगा, यहां पे भी OH लगाऊंगा, इधर भी OH, और यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये किसकी है, ये है H4P2O6 की स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में कितने OH ग्रुप है, 1 2 3 4, चार OH ग्रुप है, तो चार OH ग्रुप है, 4 OH ग्रुप इसमें है, तो 4 अगर OH ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्रा, और क्या बेसिक, और क्या बोलेंगे एसिड, टेट्रा बेसिक एसिड इसको अपन बोल देंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात हो गई। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि H4P2O6 का नेम क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, और ये H4P2O5 का नेम क्या है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा आप देखो इसका नेम क्या रखेंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नेम तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये किससे बनेगा, ये बनेगा H3PO4 से बनेगा, H3PO4 के दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें से H2 निकालेंगे, तो उसमें से H2 निकालोगे तो नेम क्या पड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड है, उसके आगे क्या लगा दोगे, पायरो लगा दोगे, ठीक है। अब आ जाओ इसकी स्ट्रक्चर पे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो ऐसे हो जाएगी, यहां से बात करें इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो ऐसे होगी, P यहां पर एक O, ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन लगा देंगे, यहां पर एक O, ठीक है, ये लगा दिया, और यहां पर क्या करेंगे OH, यहां पे OH, ठीक है, यहां पर OH और यहां पर OH, एक बार चेक करो, देखो H4P2O7 की बात चल रही है, तो क्या है यहां पर H4 है, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें खास बात यह है कि POP बॉन्ड है, इसमें POP बॉन्ड है, वो कितना है इसमें, एक POP बॉन्ड है, और OH बॉन्ड कितना है इसमें, OH, ये है इसमें 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा, इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा और बेसिक, और क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, टेट्रा बेसिक एसिड है, ये चार OH ग्रुप है इसमें, इसलिए। अब ये बात हो गई इसके बारे में, ठीक है, H4P2O7 के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं H4P2O8 के बारे में बात करूंगा, इसका नेम क्या रखोगे, तो इसका नेम यहीं से करेंगे, देखो इसको बोल रहे हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो इसको क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी लग जाएगा, पर ऑक्सी, और क्या बोलेंगे, पायरो और फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक और एसिड, पर ऑक्सी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो पायरोक्सी पायरोफॉस्फोरिक एसिड इसको बोला जाएगा। अब सुनो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसके स्ट्रक्चर जो है वो आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो थोड़ा सा चेंज करोगे, देखो यहां पे क्या करोगे, यहां पे लिखोगे पी और ये ऑक्सीजन है, यहां पर क्या है बताओ OH है, इधर भी OH है, यहां पर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और यहां पर एक ये, ठीक है, ये OH और ये OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 8 हो गए, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, हाइड्रोजन 4 है और फॉस्फोरस 2 है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें खास बात ये जो बॉन्ड है ये कौन सा होगा, परऑक्साइड बॉन्ड होगा, तो परऑक्साइड जो बॉन्ड है इसमें वो कितना है, 1 है, एक परऑक्साइड बॉन्ड है इसमें, ठीक है। और इसका अगर आप ये करो, चार्ज निकालो, आप इसका चार्ज निकालेंगे तो +4 +2x और -16 = 0, यहां से x = आप करोगे +6, ठीक है, यही आएगा, +6 आ नहीं सकता फॉस्फोरस का, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है, उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे शो कर देगा, 6 बताओ, उसके आउटर सेल में 15 इसका एटॉमिक नंबर है,
तो लास्ट में क्या लिखते हो 3s2 3p3। तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता है। अब ये प्लस 6 तो नहीं दिखाएगा ना, अब नहीं दिखाएगा तो कुछ ना कुछ तो लो चाहिए। जो अपन ने ये सॉल्व किया है, लो चाहिए है कि यहां पे ऑक्सीजन पे माइनस वन आता है, यहां पे माइनस वन आता है। प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो आप मेरे, उसमें मैंने बताया था कि परऑक्साइड पे ऑक्सीजन पे माइनस वन चलता है और इन पे क्या चलेगा, -2 -2 -2 -2 -2 -2 सब पे -2 चलेगा। तो आपने गलती यहीं पे कर दी, गलती आपसे ये हुई है कि दो ऑक्सीजन पे आपको -1 लेना चाहिए था, -1 × 2 करना चाहिए था, और बाकी की जो ऑक्सीजन बची है कितनी 6, उस पर क्या करना है आपको -2 लेके चलना है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आपका जो क्लियरली वो क्या आएगा, +5 आएगा। आप सॉल्व कर लो आप तो अब +5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन +5 इसका निकालेंगे। चले ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, ठीक है, ये अपने बात कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, 8th नंबर पे अपना जो आएगा वो कौन आएगा, उसका नेम है, इंतजार करो, HPO3, ठीक है, HPO3 का होल एंड, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड इसको बोलते हैं। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये H3PO4 है, इसमें से अगर H2O निकाल देते हो तो बन जाता है क्या, HPO3, और ये है फॉस्फोरिक एसिड। जब H2O इसमें से निकालते हो तो उस केस में इसका नहीं पड़ेगा, एक में से अगर निकालोगे एक में से तो मेटा लग जाता है, और ये अकेला नहीं होता, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके जुड़ जाते हैं HPO3 एंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल HPO3 एल के जुड़ जाते हैं। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये मिलता है HPO3 का होल एंड, ठीक है, तो ये साइक्लिक हो जाता है, इतनी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म मिलता है। तो ये फास्फोरस के सारे क्या बताया मैंने आपको, ऑक्सीएसिड के बारे में डिस्कशन किया, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को क्यों ना लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।